आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में बहुत से लोगों को संदेह होता है कि यार ये बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, ये कैसे किया जाता है। ये सवाल उनके मन में हमेशा होते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। IUI का मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि यूट्रस के अंदर डालने वाला इंसेमिनेशन। नेचुरली क्या होता है आज हम पहले उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद ही IUI के बारे में आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो वो जानने के पहले आप एक बार यूट्रस का शेप देख लीजिए। ये यूट्रस है, इसके दोनों तरफ ट्यूब्स हैं। ये ट्यूब इस तरफ खुल रहे हैं ओवरी के ऊपर, ओवरी में बहुत सारे अंडे हैं, तो बिल्कुल ट्यूब जैसा है। इस तरफ फिंगर्स जैसे जैसे उंगलियां होते हैं, वैसे ओपन प्रोजेक्शंस है जो ओवरी के ऊपर खुल रहे होते हैं। ये दोनों तरफ हो रहा है, सो इस तरफ भी ओवरी है, उस तरफ भी ओवरी है, ट्यूब्स का ओपन होना जरूरी है। सो इसमें आप देख सकते हो कि दोनों ट्यूब्स हैं और अंडा किसी भी तरफ रिलीज हो सकता है, इसीलिए दोनों ट्यूब्स का ओपन रहना बहुत जरूरी है। नहीं, अगर एक ही ट्यूब ओपन है तो भी आप IUI कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर सपोज ये ट्यूब ओपन है तो यहीं पे एक का बढ़ना जरूरी होता है। सो ये जान लेना बहुत जरूरी है। सो नेचुरली क्या हो रहा है आज देखते हैं। ये है सर्विक्स। सर्विक्स यानी यूट्रस का ओपनिंग, समझिए कि जैसे द्वार है। सर्विक्स के बाहर सारा सीमन सैंपल रिलीज हो जाता है। जब आप नेचुरली ट्राई कर रहे होते हो तो सीमन सारा बाहर रिलीज होता है और जो स्पर्म्स हैं वो ऊपर स्विम होके जाते हैं। ये एंटी ग्रेविटेशनल प्रोसीजर है, ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा होता है। नेचुरली क्या हो रहा है देखिए, आपका ब्रेन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। अलग अलग स्टेजेस में रिलीज कर रहा होता है आपके ओवरी में एग को बढ़ाने के लिए। काफ़ी सारे एग बड़े हो रहे होते हैं बट एक ही डोमिनेंट होता है, एक ही बड़ा होता है और एक ही रिलीज होता है। सो ये नेचुरली है। IUI में हम ये मेडिकेशंस को बाहर से भी देंगे ताकि एक या दो थोड़ा नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे अंडों के बढ़ने के लिए। सो इस तरफ या उस तरफ या दोनों इस तरफ अंडे बढ़ रहे होते हैं इन मेडिकेशंस के द्वारा। ये आपको ओरली टैबलेट्स की तरह भी दिया जा सकता है या इंजेक्शंस की तरह भी दिया जा सकता है। जब ये डोमिनेंट एग का साइज बड़ा हो जाएगा तब एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाएगा। ट्रिगर यानी उसका नाम ट्रिगर है बट बेसिकली वो हार्मोन जो दिया जाता है उसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। सो इस हार्मोन की वजह से अंडा एकदम बड़ा होकर यहाँ से ओवरी से रिलीज हो जाता है। तो आपने ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बारे में देखा है। सो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनकी वजह से अंडा अंदर जाता है, ट्यूब के अंदर जाकर इस तरफ कहीं वो इंतजार कर रहा होता है। इस एग का जो लाइफ स्पैन है वो 8 to 12 hours है। अगर स्पर्म वहाँ रहा तो फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं तो वो मर जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। सो IUI में होता क्या है? IUI में होता ये है कि आपके हस्बैंड या पार्टनर के स्पर्म्स को लिए जाएंगे और लेबोरेटरी में उसे प्रोसेस किया जाएगा। उसे हम वॉशिंग प्रोसीजर कहते हैं जिसमें सीमन को निकाल दिया जाता है, मरे हुए स्पर्म्स को निकाल दिया जाता है, जो शेप में अच्छे नहीं है, जो मर गए हैं, जो हिल नहीं रहे हैं, ये जो अगर उसमें कोई डिब्री रहा, कचरा बोलते हैं, उसको भी निकाल दिया जाता है और केवल अच्छे स्पर्म्स को जो अच्छे आकार में हैं, जो अच्छे मोटिलिटी के हैं, उन स्पर्म्स को आपके गर्भ में छोड़ा जाता है। सो आप देख सकते हो नेचुरली स्पर्म्स बाहर रिलीज हो रहे हैं और IUI में स्पर्म्स को अंदर डाला जा रहा है। तो ये बहुत पतले से ट्यूब के द्वारा आपके यूट्रस में डाला जाता है। ये एक OP प्रोसीजर है, यानी कि एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में नहीं लिया जाता। बहुत सिंपल प्रोसीजर है जो आप बहुत आसानी से 1 घंटे में करवा कर वापस भी जा सकते हैं। सो यहाँ जब स्पर्म्स छोड़े जाते हैं, केवल अच्छे स्पर्म्स जो अच्छे मोटिलिटी के वो छोड़े गए हैं, यहाँ से यहाँ तक स्पर्म्स का स्विमिंग का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया, इसलिए बहुत आसानी से वो अंडे तक पहुँच पाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो पाता है। IUI का सक्सेस रेट 15 to 20% है। ये मत सोचिए कि सब कुछ देखा जा रहा है, अंडा रिलीज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है तो 100% होता है, ऐसा नहीं होता है। 15 to 20% ही इसका सक्सेस रेट रहता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे इसका सक्सेस डिपेंडेंट होता है। आपके ओवरीज में अंडे अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, ट्यूब्स ओपन होने चाहिए, गर्भ अच्छा होना चाहिए, स्पर्म्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ये सब होने से सक्सेस रेट अच्छा होता है। स्पर्म्स के बारे में जानते हैं। स्पर्म्स में जब हम कैलकुलेशन देखते हैं कि कितने स्पर्म्स आवश्यक होते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है, यानी कि कितने स्पर्म्स आवश्यक हैं। तो स्टडीज़ के द्वारा, स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये देखा गया है कि 10 million per ml स्पर्म्स अगर रहें मिनिमम, उससे ज़्यादा रहें तो बहुत अच्छा है, आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा, बट एटलीस्ट 10 million रहना बहुत ज़रूरी है। वो होते हैं तो ये आप IUI का प्रोसीजर करा सकते हैं, इट विल बी नॉट वेस्टेड। मतलब इससे अगर कम रहा और फर्टिलिटी नहीं रहा तो इसका ज़्यादा फायदा नहीं होता है।
नेक्स्ट होता है मोटिलिटी। मोटिलिटी भी बहुत ज़रूरी बात होती है। मोटिलिटी यानी हरकत, अगर हरकत ही ना हो, प्रोग्रेसिव ही ना हो, स्पर्म हिल ही नहीं रहा हो तो वो अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे नेचुरली या IUI, ये दोनों प्रोसीजर्स में मोटिलिटी का होना बहुत आवश्यक है। अगर हरकत ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, स्पर्म अंडे तक पहुँच नहीं पाता, एम्ब्रियो तैयार नहीं हो पाता। सो मोटिलिटी जो है मिनिमम 40-50% रहना चाहिए, यानी 100 में कम से कम 40-50 स्पर्म प्रोग्रेसिव मोटिलिटी की होनी चाहिए, यानी कि फास्ट मूव होने वाले, आगे चलने वाले स्पर्म्स होने चाहिए। उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी, यानी कि आकार। आकार बहुत ज़रूरी है, सर ठीक होना चाहिए, टेल ठीक होना चाहिए, ये सब अगर ठीक हो तो ही स्पर्म ठीक से स्विम करके अंडे तक पहुंच पाता है। ये मिनिमम 4-6% होना चाहिए, 100 में 4-6 तक स्पर्म मिनिमम अच्छे होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसे हम कैलकुलेट करते हैं आपके कॉन्सेंट्रेशन इंटू आपका जो वॉल्यूम है सीमन का वॉल्यूम और मोटिलिटी, ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट आता है। ये टोटल मोटाइल स्पर्म मिनिमम 10 मिलियन होना चाहिए, जब हम ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं इसके बाद मिनिमम 10 मिलियन अगर हो तो सक्सेस रेट अच्छा होता है। अगर इससे ज़्यादा हो तो आपका सक्सेस रेट अच्छा रहेगा, लेकिन अगर इससे कम रहे तो आपका सक्सेस रेट भी कम होता रहता है। सो स्पर्म्स पे भी आधारित होता है कि सक्सेस रेट क्या है। सो ओवरीज अच्छे होने चाहिए, ट्यूब्स अच्छे होने चाहिए, गर्भ अच्छा होना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन स्पर्म्स का अच्छा रहना भी बहुत ज़रूरी है। अभी आप समझ गए हो कि स्पर्म्स का क्या रोल है यहाँ पे। अगर आप IUI कराना चाह रहे हैं या IUI फेल हो गया है, उसके आगे भी कुछ प्रोसीजर है कि जानना चाहते हैं, अवश्य स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फ़ोन करके जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।